आज हम आपको बताने जा रहे हैं Xiaomi Redmi 6 और Redmi 6A के बारे में, जी हाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी हैं और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ये कब लॉन्च होगा। आपको बता दें कि इसकी लॉन्चिंग डेट भी सामने आ चुकी है, जी हाँ, 12 जून को इन दोनों ही फ़ोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं इन दोनों फ़ोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और इसका पूरा रिव्यू हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, जी हाँ, जिससे आप जान सकें कि इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कितने खास हैं और क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं। यही सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। आपको बता दें कि साल 2018 में कई स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद अब Xiaomi इस स्मार्टफोन को भी जल्द उतार सकती है। जी हाँ, जैसे हमने आपको बताया कि Redmi 6 और Redmi 6A बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं और इनकी लॉन्चिंग डेट भी सामने आ चुकी है। वैसे बता दें कि Xiaomi के Redmi 5 सीरीज को कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में उतारा था और ठीक 3 महीने बाद Xiaomi Redmi 6 सामने आई। उसके बाद बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो Xiaomi Redmi 6 या Redmi 6A चीनी सर्टिफिकेशन साइट पर देखे गए थे और यहाँ इस आगमी फोन से जुड़े स्पेसिफिकेशंस भी दिखाए गए थे। चीना लिस्टिंग में Xiaomi Redmi 6 को M1804C3DE पहले मॉडल में ड्यूल रियर कैमरा है जो कि Redmi 6 माना जा रहा है। बाकी दो मॉडल Redmi 6A हो सकते हैं। दोनों मॉडल Xiaomi Redmi 6 के रेगुलर, प्लस और प्रो वेरिएंट हो सकते हैं। लिस्टिंग के हिसाब से Xiaomi Redmi 6 में 5.45 इंच का डिस्प्ले होगा। फोन में Android 8.1 Oreo पर चलेगा। स्मार्टफोन में आ सकता है ऑक्टाकोर प्रोसेसर जिसकी सर्वाधिक क्लॉक स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज़ है। प्रोसेसर संभवतः स्नैपड्रैगन 625 होगा और इसके अतिरिक्त लिस्टिंग में इशारा मिला है कि हैंडसेट में 3000 mAh की बैटरी दी जाएगी। पर हालांकि Xiaomi ने इस आगमी फोन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन देखने में फोन Redmi के मॉडल जैसा ही लग रहा है। बाकी फीचर्स के लिए लोगों को चीना की ओर से किए जाने वाले खुलासे का इंतजार रहेगा, लेकिन इसके कई सारे फीचर्स हैं जो अभी और भी सामने आने बाकी हैं और कुछ हमें पता चले हैं जो हम आपको जरूर बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि चीना पर लिस्ट किए गए तीनों हैंडसेट रैम, स्टोरेज और कैमरे के मामले में अलग लग रहे हैं। M1804C3DE मॉडल में 2GB और 3GB व 4GB रैम ऑप्शन आपको मिलेगा। स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो 16GB और 32GB और 64GB का ऑप्शन यहां आपको मिल सकता है। इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और तस्वीर के लिए फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा। इसी तरह M1804C3CC मॉडल में 2GB का सिंगल वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें 16GB का इनबिल्ट स्टोरेज भी रहेगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। आखिर में M1804C3CE मॉडल में 2GB व 3GB रैम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इनमें स्टोरेज 16GB और 32GB था। इसका रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल व फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल सेंसर में आपको देखने को मिलेगा। कई रंग वेरिएंट में ये फोन आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ GSM Arena की रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा था कि Xiaomi Redmi 6 की असल तस्वीरें लीक हुई थी। ये तस्वीरें फोन का अगला और पिछला हिस्सा दिखा रही थी। साथ ही इनमें डिस्प्ले नॉच भी दिखाया गया था। हैंडसेट के बैक में ड्यूअल कैमरा सेटअप भी है जो कि इस फोन को काफी ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। Xiaomi स्मार्ट ब्रांड अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तैयार है। जैसे हमने आपको ये बताया था कि 12 जून को जल्द ही दोनों फोन लॉन्च हो जाएंगे। Xiaomi अपने Redmi 6 सीरीज को चीन में 12 जून को लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, बता दें कि Xiaomi चीन में पहले ही Redmi 6 और Redmi 6 Plus का एक्सेस यानी कि बहुत ही अच्छे से सक्सेस वर्जन लॉन्च कर चुकी है। हालांकि कंपनी ने इन सक्सेस वर्जन को भारत में लॉन्च नहीं किया है। अब Xiaomi ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो पर Redmi 6 सीरीज के लॉन्च इवेंट को कंफर्म कर दिया है।
जी हाँ, बहुत ही खुशखबरी की बात है ये तो। Redmi 6 सीरीज की तरह कंपनी इन स्मार्टफोन को Redmi 6 और Redmi 6 Plus के साथ लॉन्च कर सकती है। Xiaomi Redmi 6 और Redmi 6 Plus हाल ही में फीचर सर्टिफिकेशन वेबसाइट इना के लिस्टिंग में सपोर्ट किए गए हैं। लिस्टिंग के मुताबिक दोनों स्मार्टफोन नॉच डिस्प्ले के साथ आएंगे। इन दोनों स्मार्टफोन के अलावा कंपनी लॉन्च इवेंट में Xiaomi Redmi 6 A भी लॉन्च कर सकती है। Xiaomi Redmi 6 स्मार्टफोन मॉडल नंबर M180D1SE के साथ टीना पर 28 मई को लिस्ट किया गया था, जो कि इस लिस्टिंग में फ़ोन के सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन सामने आ गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि स्मार्टफोन में 6.84 इंच के फुल HD प्लस डिस्प्ले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पिक्सल रेजोल्यूशन देता है। इसका एक्सेप्ट रेशियो होगा 19:9। Xiaomi Redmi 6 में Snapdragon 626 चिपेस्ट है, जो कि 2.0 GHz की सर्वाधिक स्पीड देता है। इस फ़ोन के रैम और स्टोरेज के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। फोटोग्राफी के लिए इस फ़ोन में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, जो कि 12 मेगापिक्सल के प्राइमरी और 6 मेगापिक्सल के सेकेंडरी कैमरा के साथ आपको मिलेगा। फ़ोन के फ्रंट कैमरा को लेकर जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 8 या 12 मेगापिक्सल का हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि Xiaomi अपने फ़ोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और वो उसमें नए नए फीचर्स डालते रहते हैं कि कस्टमर्स को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी रहती है, और उसी उम्मीद के चलते वो अपने फ़ोन में अलग अलग फ़ीचर्स देने की पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें निराश नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे हमने आपको बताया कुछ फीचर्स हैं जो सामने नहीं आए हैं, लेकिन वही कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनकी उम्मीद पहले भी की जा रही थी और अभी भी वही उम्मीद की जा रही है कि वो फीचर्स रहेंगे और उनसे भी बेहतर फीचर्स क्या पता उन्हें देखने को मिल जाएं। आपको बता दें, जिसमें फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स फिंगरप्रिंट सेंसर की जानकारी सामने मिली थी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो ये स्मार्टफोन Xiaomi Redmi 6A हो सकता है। फिलहाल कंपनी की तरफ से दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को लेकर काफ़ी सारी जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इस इवेंट में उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और उनके इस फ़ोन के सारे फीचर्स, जो फीचर्स लोगों को नहीं पता हैं, वो फीचर्स सामने आ जाएँ, ताकि लोग इसको लेने में बिल्कुल भी देरी ना करें। वैसे 12 जून का इंतज़ार तो सभी लोगों को है, क्योंकि ये दोनों ही बेहतरीन फ़ोन भारत में लॉन्च हो सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि Redmi 6 तो ज़रूर ही लॉन्च होगा, लेकिन अगर Redmi 6A लॉन्च हो गया तो लोगों की उम्मीद और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि Redmi 6A के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अब ये देखना होगा कि Redmi 6 पहले लॉन्च होता है या Redmi 6A उससे पहले लॉन्च हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो Redmi 6A के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहे हैं, क्योंकि उसके फीचर्स जहाँ तक पहले बताए गए थे वो इस टाइम अलग कर दिए गए हैं, और इस टाइम अलग अलग फीचर्स एड ऑन कर दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि लोग इसकी कीमत को देखकर और इसके फीचर्स को देखकर कितने ज़्यादा शौक होते हैं या फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसे लेने में। फिलहाल इंतज़ार रहेगा 12 जून का, क्योंकि ये दोनों ही शानदार फ़ोन, यानी कि शानदार Redmi 6 और Redmi 6A लॉन्च होने की पूरी कतार में है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।